जा चुकी है अपनी नमो भारत ट्रेन। तो भाई ये है हमारी टिकट मेरठ साउथ से लेकर के अपना गाजियाबाद तक, और ये है हमारी नमो भारत ट्रेन। भीड़ देख रहे हो भाई कितनी ज़बरदस्त है, अभी सिर्फ इसको यहाँ तक स्टैंड हुए 3 दिन ही हुए हैं भाई। तो कैसे आप सभी, स्वागत आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है नियाल और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अनजान दोस्त। तो मैं आ चुका हूँ फिलहाल मेरठ में, और मेरठ वालों के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है। मेरठ से दिल्ली जाना हुआ भाई बहुत ही ज़्यादा आसान। तो ये फिलहाल RTS का रेलवे स्टेशन, और आज की हमारी यात्रा होने वाली है मेरठ से लेकर के नई दिल्ली के बीच चलने वाली, यानी कि नई दिल्ली के साहिबाबाद के बीच चलने वाली RTS नमो भारत में। तो चलो चलते हैं स्टेशन के अंदर और आपको दिखाते हैं इसके मेट्रो स्टेशन और इसकी ट्रेन का इंटीरियर और आज की हमारी इस प्यारी सी जर्नी। तो भाई कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ का इंटीरियर, ठीक गेट से दिखते ही सामने आपको मिल जाती है स्टेयर्स। चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म की और लेते हैं अपनी आज की टिकट्स। और तो भाई ये है हमारी टिकट मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक की 90 रुपीज़ की। अगर आप सही टिकट साहिबाबाद तक लेते हैं तो उसका फेयर है आपका 120 रुपये। ठीक सामने मेट्रो की तरह आपका सिक्योरिटी और ये टोकन सिस्टम दिया गया, ठीक सामने है आपकी टिकट काउंटर, यहाँ से आप लोग टिकट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और सामने टिकट वेंडिंग मशीन भी है, वो अभी फ़िलहाल ख़राब चल रही, नहीं तो मैं आपको वो दिखाता, ठीक है। और फिर टिकट लेकर के चले चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। और तो भाई आज हम लोग इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं अपना यहाँ से मेरठ साउथ से लेकर के अपना गाजियाबाद तक। फिलहाल ये जो ट्रेन है यहाँ तक अभी चल रही है साहिबाबाद तक, थोड़े टाइम बाद ये जो ट्रेन है इधर जंगपुरा की ओर एक्सटेंड हो जाएगी, और इधर जो है ये इधर की तरफ मोदीपुरम तक लास्ट ये ट्रेन जाने वाली है। फिलहाल अभी हमारी जो ट्रेन है सिर्फ और सिर्फ मेरठ साउथ तक ही चल रही है, अभी इधर के इस तरफ का हिस्सा जो है ना वो अभी स्टार्ट होना बाकी है। तो ये था इसका रूट मैप, ये इसके आने वाले स्टेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आ चुकी है अपनी नमो भारत ट्रेन। चलते हैं इसकी ट्रेन के अंदर और आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। भीड़ देख रहे हो भाई कितनी ज़बरदस्त है, अभी सिर्फ इसको यहाँ तक स्टैंड हुए 3 दिन ही हुए हैं और इसका कितना क्राउड है। ये बैठो का सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा, सामने आपको बैग होल्डर मिलेगा, मतलब बैग वगैरह रखने के लिए। ये आपका सीट्स है, ये है आपका आर्मरेस्ट, और ठीक सामने आपको 2 चार्जिंग USB होल्डर भी मिल जाते हैं। ये आपका मैगजीन सॉकेट, और भाई लेग स्पेस देख रहे हो भाई, पूरा का पूरा लेग स्पेस मिलता है, साथ ही कंफर्टेबली आराम से आप लोग ताकि इसके अंदर जर्नी कर सकते हैं। अभी शानदार इसका जो कलर कॉम्बिनेशन दिया ना वो भी बढ़िया दिया बिल्कुल भाई, जैसे हम लोग अपने वंदे भारत ट्रेन देखे ना सेम उसी की लुक कर दिया, बस सेम बिल्कुल पूरा ऐसे ही है, और सब कुछ ही देर में। और ठीक सामने आपको दिखी गई है ये एक डिस्प्ले जिसमें आपको आने वाले स्टेशन की जानकारी देखने को मिल जाएगी। लो भाई हमारी ट्रेन का चलने आ चुका समय, और गेट्स हो चुके हैं लॉक, और टाइम आप लोग देख सकते हैं अभी है 6:44, और ठीक 6:44 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है मेरठ साउथ मेट्रो स्टेशन या नमो भारत स्टेशन जो भी आप कहो। लो भाई चलते ही तुरंत इसके शुरू हो गए स्टेशन मोदी नगर बाहर का व्यू आप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मोदी नगर नॉर्थ भाई, तुरंत स्पीड होती जा रही है भाई 63-65 भाई। इसकी पता आपको टॉप स्पीड जो है ना 160 किलोमीटर पर आवर होने वाली है भाई, मेरी अभी तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन यही रही है RTS। चलो भाई ये बाहर के नज़ारे, और ये हमारी नमो भारत रेलवे। ये लो भाई 100 किलोमीटर को टच कर लिया, और ये भाई अब हम लोग पहुंच गए हमारे फर्स्ट हॉल्ट मोदी नगर नॉर्थ। स्लो भी ट्रेन बस अब आने वाला शायद 130-132। हेलो भाई देखते जाओ बस RTS का जलवा, बस थोड़ा सा और 150 किलोमीटर टच हो चुके भाई, 150 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से अभी हमारी नमो भारत ट्रेन येलो वाइट ट्रैक्स पे दौड़ रही है। क्या शानदार नज़ारा है भाई, ये भाई येलो 158। बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा सा रह गया, अपनी टॉप स्पीड टच करने वाली थी भाई। आ चुका स्टेशन लोकल ट्रेन हेलो भाई, 6:44 पे हम लोग वहाँ से निकले थे और अभी समय हो चुका है 6:49। ठीक 5 मिनट पे हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे पहले होल्ट मोदी नगर नॉर्थ। और ये देख लो कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ का स्टेशन बाहर से, इतना से भाई पूरा मेट्रो स्टेशन है, पूरी मेट्रो की लुक दी है। पर जो इसका इंटीरियर है ना वो पूरा अपने वंदे भारत से इंस्पायर्ड है। ये खुल चुके अपने गेट्स, ऑटोमेटिक गेट्स हैं भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। दरवाजे बंद हो रहे हैं, कृपया दरवाजा। लो भाई अब हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है मुरादनगर, बगल से निकली भाई एक और ट्रेन, लाल ट्रेन चल रही है बट 30 के नियर अबाउट और हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है अपने नेक्स्ट होल्ट मुरादनगर। बस इसके बाद दो होल्ट हो रहे हैं, दुहाई और फिर गुल्दर, और फिर नेक्स्ट होल्ट होने वाला हमारा गाजियाबाद। तो भाई ऐसी थी हमारी आज की स्पेशल जर्नी। पहले जो ट्रेन थी ना सिर्फ यहीं मुरादनगर तक शायद चलती थी, आई थिंक मुरादनगर या फिर दुहाई, क्योंकि मैंने कभी ट्रैवल नहीं करा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था नमो भारत ट्रेन में। और भाई समय हो गया 6:59 और हम लोग स्किप करें फिलहाल मुरादनगर। हेलो भाई निकल गए मुरादनगर से, अब हमारे नेक्स्ट स्टेशन दुहाई है भाई। इसमें फैसिलिटी बढ़िया भाई, आने वाले स्टेशन की भाई पूरी जानकारी देखने में मिलती रहेगी। लो भाई एसी वैसी सब कुछ बढ़िया भाई चल रहा है। लो जी 18 मिनट में हम लोग पहुंच चुके हैं मेरठ से दुहाई। दुहाई फिलहाल गुलदर, टाइम हो चुका है 7:06। हेलो भाई नेक्स्ट ऑटो होने वाला है अपना गाजियाबाद। कृपया दरवाजे के सहारे न खड़े हो, प्लीज डू नॉट लीन ऑन द डोर्स। बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने लास्ट और फाइनल डेस्टिनेशन गाजियाबाद। तो करंटली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकंड लास्ट होल्ट गाजियाबाद और हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ट्रेन। तो खैर इसके बाद अब साहिबाद जाने वाली है बट हमारी जर्नी यहीं तक रहने वाली, तो चलो चलते हैं इसके बाहर और एंड करते हैं हमारे आज के इस सफ़र को। तो हेलो भाई जैसे अगर गेट खुल जाता है ना, अगर गेट नहीं ओपन होते ना तो आप ये बटन को प्रेस कर दोगे ना, जहाँ लिखा हुआ ग्रीन लाइट जल जाएगी उसको आप प्रेस करोगे तो आप उसके बाद गेट खोल करके बाहर की ओर आ सकते हैं। तो हेलो भाई ये क्राउड निकला है इसके बाहर, मैक्सिमम लोग जो है ना वो यहीं गाजियाबाद में ही अपनी जर्नी को एंड करने वाले। ये जा रही है हमारी रैपिड रेल यानी कि नमो भारत, वो यहाँ से निकल गई है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये हमारी रैपिड रेल कैसी लगी।